हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। पुरुषों को जब भी अपनी ग्रूमिंग करनी होती है या फिर शेविंग करनी होती है तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑफिस लुक को कैरी करने के लिए और अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए भी। लेकिन कई बार पुरुषों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहांसे निकल आते हैं जिसकी वजह से शेविंग करते समय या फिर करवाते समय उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर उनके चेहरे पर मुहासे रहते हैं और उन्हें शेविंग करवानी पड़ती है तो कई बार रेजर की वजह से या फिर अगर वो सलून में जाकर भी शेविंग करवाते हैं तो उसकी वजह से भी चेहरे पर कट लगने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि अगर आपको शेविंग करनी है और आपके चेहरे पर बहुत मुहासे हैं तो आप किस तरीके से इसे करवा सकते हैं। नंबर वन, चेहरे को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। चेहरे को साफ रखने के लिए आप टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोनर का काम आपके चेहरे की सारी गंदगी को साफ करके उसको चमक देना और चेहरे को स्मूथ बनाने के लिए होता है। इसीलिए अगर आपके चेहरे पर बहुत मुहासे हैं तो आपको टोनर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि टोनर ना केवल आपके चेहरे को साफ करता है बल्कि मुहासे निकालने वाले बैक्टीरिया को भी काफ़ी हद तक नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से शेव करते समय आपको परेशानी नहीं होती है। टिप नंबर टू, शेविंग करवाने से पहले अपने चेहरे पर हल्का सा ऑयल जरूर लगा लें। आप बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल या फिर नारियल का तेल, कोई भी एक तेल लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका चेहरा काफ़ी अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज हो जाएगा, आपकी शेव काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद रेजर चलाने में आपको परेशानी नहीं होगी। टिप नंबर थ्री है शेविंग का टाइम डिसाइड करना। जी हाँ, अगर आपके चेहरे पर बहुत मुहासे हैं तो शेविंग करने के लिए नहाने के बाद का समय सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस समय आपके शरीर के अंदर गर्माहट रहती है और आपकी शेव भी काफ़ी हद तक मुलायम रहती है, तो आप नहाने के बाद शेव कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये है कुछ ऐसे आसान से टिप्स जो आपके चेहरे पर शेविंग करने में आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने व्यूज़ को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।